बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हाल ही में अपनी बहन रंगोली चंदेल के साथ कई महीने बाद फिर से मुंबई पहुंची। मुंबई पहुंचकर कंगना ने सबसे पहले मुंबा देवी और सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। दर्शन करने के बाद कंगना ने अपनी कई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिनके साथ उन्होंने लिखा कि अब वो मुंबई में सुरक्षित महसूस करती हैं। कंगना की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। इसी बीच एक्ट्रेस के ट्वीट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और शिवसेना नेता उर्मिला मातोंडकर ने तंज कसा है। उर्मिला ने कंगना के ट्वीट का मजाक उड़ाया और ट्वीट करते हुए लिखा, अपने प्यारे शहर मुंबई के लिए खड़े होने के लिए बहन सर में चोट लग गई है क्या। उर्मिला ने अपने ट्वीट में ढेर सारी हंसने वाली इमोजी भी बनाई। सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन करने के दौरान कंगना ने अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा था, अपने प्यारे शहर मुंबई के लिए खड़े होने पर मुझे जिस मात्रा में नफरत मिली उसने मुझे बेचैन कर दिया था। आज मैं आशीर्वाद लेने मुंबा देवी और सिद्धि विनायक मंदिर गई। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ और मुझे स्वीकार किया जा रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस के दौरान कंगना की बयानबाजी काफी चर्चा में रही थी। इस बहसा-बहसी में कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी काफी आलोचना हुई थी। इस दौरान कंगना की उर्मिला से भी ट्विटर के जरिए काफी बहस हुई थी। इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने भी कंगना को मुंबई न आने की चेतावनी दी थी। वहीं बीएमसी ने कंगना के ऑफिस का कुछ हिस्सा भी गिरा दिया था। हालांकि बीएमसी के भी इस कदम की काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाते हुए इस कदम को दुर्भावनापूर्ण बताकर कंगना के हक में फैसला दिया था। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।